क्या कर रहे हो क्या भाई रखो रखो बॉल नीचे रखो नीचे दिस इज खत्म हो गई चलो अपनी क्लास में चलो भागो यहां से बच्चों कुछ देखा तो नहीं ना तुमने ना सर हमें आपसे एक जरूर बात करनी है मैं जानता था बच्चों एक ना एक दिन तुम लोग मुझसे बात करने के लिए जरूर आओगे एक्चुअली सर बात ये है कि हो गए हमारे टाइटे फिश इन्होंने गजानन सर को सब कुछ बता दिया अब क्या होगा बेटा मंटू ऐसे किसी का बुरा समय किसी के साथ कैसे बात कर सकता है बेटा पुराने जमाने में कैसे हम लोग ऐसे भगवान से बात करते हे भगवान हमें शक्ति दो हमें बुद्धि दो आकाशवाणी होती थी आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसा कोई गैजेट हो जल्दी से कुछ करना होगा वरना पापा को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि उनके दोस्त का कोई गायब गैजेट यूज कर रहा है सर सिर्फ मुझे आवाजें सुनाई नहीं देती मुझे उड़ती हुई चीजें भी दिखाई देती है नहीं 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 सर बॉल हमारी तरफ चल के आ रही है बांग, 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 बांग। मंटू बेटा अरे बॉल कहाँ चल के आ रही है बॉल तो वही है अपनी जगह यार क्या बॉस आप भी ना मंटू बेटा तुम्हें वहम हो रहा है नो सर नहीं बेटा यस सर अब तुम ये भी कहोगे कि बॉल डांस कर रही है ना बॉल डांस कर सकती है क्या सर वही तो सर अपना बॉल डांस कर रही है अरे बेटा बॉल कहाँ डांस कर रही है वो तो अपनी जगह देख लो एक बार डांस कर रही थी मोंटू बेटा मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है हा? सर मुझे वहम नहीं हुआ है हो रहा है बेटा नहीं हुआ है सॉरी सर इट्स ओके जाओ जाओ आराम करो अरे वाह बोर्ड तो बहुत बढ़िया लग गया लेकिन चाह के इसे जरा पीछे से टाइट कर देता हूं हाँ मुझे वहम नहीं है मुझे वहम मैं ठीक हूं मुझे बस थोड़ा गुस्सा आया मुझे गुस्सा आया नहीं है जो देखो वहम का बाजा बजा है मुझे बस गुस्सा आया है कौन है रे ये पोस्टर भी बात करता है मोंटो ये क्या किया तूने बोर्ड फाड़ दिया तूने गलती से गलती हो गई रुको तुम्हारी शिकायत अब मैं प्रिंसिपल साहब से करता हूँ शिकायत नहीं नहीं अंकल आप प्लीज मेरी शिकायत मत कीजिए मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा हाँ सारा काम बिगाड़ दिया तूने कैसे हो मोंटू बुरे समय जी देखो ना मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ तू भी अपने सब बच्चों के सामने मेरा मजाक बना दिया हा? तुम्हें क्या जरूरत थी सबको मेरे बारे में बताने की उसी की सजा मिली तुम्हें बुरे समय जी वो क्या ना एक्चुअली मैं रोहित केवल की बातों में आके बह गया था इसीलिए I'm so sorry. मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद किसी को नहीं बताऊंगा हाँ ठीक है अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ लेकिन याद रखना मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूँ हाँ हाँ हाँ
मैं इन्हें फॉलो करता हूँ और फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये बुरा समय कौन है। रमन परी, तुम? रमन परी, क्यों आई हो तुम यहाँ और इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा तुमने? बाल परी से बदला लेने के लिए। क्या? पुराना हिसाब चुकता करना था मुझे इसे। इसने अपना एक वचन निभाने के लिए मुझे एक शक्तिहीन परी बना दिया था और आज एक और वचन निभाने के लिए ये खुद एक शक्तिहीन परी बनकर मेरे सामने खड़ी है। और अब ये उड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगी और मैं इसी की शक्तियों से पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर पाओगी भ्रमण परी, क्योंकि तुम यहां से जिंदा बचकर निकल ही नहीं पाओगी। बालवीर, बालवीर! ये मानव सलोनी सब कहाँ गए? चलो उनको बाद में ढूंढता हूँ, पहले क्लासरूम में छुपकर अपने आप को विजिबल कर लेता हूँ। बुरे समय जी यहाँ मेरी स्कूल में? कमाल, सचिन का बच्चा यहाँ? कमाल है। ये पैरों के निशान यहाँ तक आए और यहाँ से वापस गए। अभी तो सचिन यहाँ से बाहर गया। ये चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। कलर के निशान तो सचिन के ही पैरों से बन रहे। कोई सचिन तो बुरा समय। हाँ अभी चेक करता हूँ। सच में तूने कमाल कर दिया। पापा को डाउट होने से पहले तूने मोंटू का डब्बा गुल कर दिया। अच्छा इन टिड्डियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है? अभी नहीं दिखाता। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले मैं ये पता करूं कि ये लोग गायब कैसे हो। हाँ चलो, इस गायब गजेट ने तो हमारा काम कर दिया है, फिर हम इसे वापस रख देते हैं। हाँ चुप कर डरपोक, जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते कि मोंटू सुधर गया है तब तक हम ये गायब गैजेट को वापस नहीं रखेंगे। ओके है ना? ये हमारे पास गोल्डन चांस है, तो मैं इस चांस पे उस गेंडे को नचवा के ही रहूंगा। हाँ
ये गायब गैजेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दीवार बन के खड़ा है। वैसे इस गैजेट का नाम गायब गैजेट भी हो सकता था ना, वही तो है। मेरा मतलब टेंशन लगाओ गैजेट। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना। अच्छा तो तुम इस गायब गैजेट के मदद से मुझे सुधारने वाले थे। अब देखना, मैं डबल बिगड़ूंगा और तुम्हारी डबल वाट लगाऊंगा, क्योंकि ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी इस गायब गैजेट चुराने वाला है। ओ परी भयंकर, है क्या लगता आपको धोखा बहुत स्वादिष्ट जो बार बार खाती रहती आप उसे? अरे जब है आपके साथ बुद्धिमान होशियार महान योद्धा तोबा तोबा, तो फिर क्यों लगाती हो वो भ्रमण परी जैसे बेकार और बेहुदा परी को? परी भयंकर, परी भयंकर। बाल परी की चोटी, कहीं परियों ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया है? कोई हमला नहीं हुआ भयंकर। ये तो मैं हूं आपकी अपनी ब्राह्मण परी, भयंकर परी। मैं कामयाब होकर लौटी हूं। मैंने बाल परी के साथ दर्पण दीक्षा करके उसकी सारी शक्तियां ली। अब तो मैं आपकी तारीफ की हकदार बनती हूं ना भयंकर परी? हाँ, तारीफ के साथ साथ तुम मेरे भरोसे की भी हकदार बनती हो। शाबाश भ्रमण परी, शाबाश। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश। शुक्रिया भयंकर परी, आपकी शाबाशी से मेरा जोश और भी बढ़ गया है। चे? और अब मैं आपको किया हुआ वादा पूरा करूंगी और पृथ्वी लोक के सारे बच्चों का जीना मुश्किल कर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे गुस्सा। सर, गुस्सा मतलब क्या? गुस्सा मतलब दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देना। हाँ, तो ये जो गुस्सा है, अरे अरे सर, गुस्सा थूक दो। सचिन रुक रुक, मैं अपना हेयरबैंड रखना भूल गई, पीटी पीरियड है, फिर खेलते खेलते टूट ना जाए। क्या तू रख देगा? ठीक है, ला दे। मैं रख देता हूँ, तू जा। थैंक यू। सचिन का बैग, अभी वो गायब गैजेट चुराता हूँ। लेकिन मैं उसे पहचानूं कैसे? मैं तो उसे ठीक से देख ही नहीं पाया था। इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना? सचिन बोल रहा था कि उसे माथे पे पहनने से सारी टेंशन दूर हो जाती है, मतलब वो जरूर माथे पे पहनने वाली चीज होगी। अभी ढूंढ के निकालता हूँ। लड़कियों वाला हेयरबैंड सचिन के बैग में, सचिन तो लड़का है। ये जरूर गायब गैजेट होगा। हाँ,
मैं से अभी पहन कर दिखता हूँ। हमें गायब हो गया है? पता कैसे करूं? बाहर जाता हूँ। श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव सर, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ये श्रीवास्तव सर भी अजीब है, मुझे यहाँ बुला लिया और उनका खुद का पता नहीं, कमाल है। क्यों अंकल ने मुझे देखा नहीं, इतने बड़े शरीर को देखा नहीं? इसका मतलब मैं गायब हो गया। दियो, अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अली रे अली, अली रे अली, 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 अली। अरे यहाँ कहाँ आ गया? कौन है? मेरी भी उम्र हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता और इसके बगैर कुछ दिखाई भी नहीं देता। सावधान, विश्राम। बच्चों, अब हम जंप एंड क्रैप वाली पीटी करेंगे। 1, 2, 3, 4, पीटी सर, मैं दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं डरू क्यों? ये नए पीटी सर बड़े स्ट्रिक्ट है, हमेशा डांटते रहते। जब से ये आए तब से मेरा बहुत मन है एक बार इनकी पीटी पीरियड में जम के डांस करूं। अब जब मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूं तो लगा देता हूं 2-4 झुमके। पागलों के गया। हाँ, शेर के मुंह में हाथ डाला है जिस हाथी ने। पीटी सर नहीं छोड़ेंगे इसको। ये कौन से नए तरीके की पीटी है? बॉस, क्या कर रहे हो? बॉस जा, वरना पीटी सर परेड करवाएंगे। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। हाँ बॉस, आप हमें दिखाई दे रहे हो। सिर्फ हमें नहीं, आप सबको दिखाई दे रहे हो। ए यू जोकर। सादर सर, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अभी तक तो दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन इसके बाद दिखाई नहीं देगा।